मुड़ा आया मोटरसाइकल आए तीन बंदे तेल पाने वास्ते, दूआ मुड़ा निकलिया बाहर, उन्हें गोली रखी मरवाल पर रखी कान उपर, असीं बाहर निकले उन्हें सानू गोलियां मारी थी। केड़े पंप दी गल है? सैसों मोड़। क्या यहाँ एक लूटपाट की वारदात हुई? हम लोग यहाँ पे अभी खाना खाने आए थे सामने होटल पे, तो हमने देख मैंने तो हमारी तो सिर्फ मेरी तो सिर्फ यही नजर पड़ी कि तीन बंदे थे बाइक के ऊपर निकले हैं, तो इतनी देर में होटल का जो तीसरा बंदा था वो भागता हुआ है कि यहाँ पे गोली चली है, तो हमारे बंदों को गोली मारी गई है लूट के मकसद से। तो हम लोग भाग के देखते हैं कि दो बंदों को गोली लगी हुई थी, एक के टांग में और एक के पेट में गोली लगी हुई थी। कौन सी जगह है ये? ये सैसमा मोड़ अपना चरवाल के पास। क्या देखते हैं इस तरह के मामले? इस तरह के मामलों में हम यही कहते हैं कि इस तरह की वारदात हमारे एरिया में तो कभी हमने सुनी नहीं है, ना कभी हुई है। चोरी की वारदात अलग चीज़ है, लेकिन ये गोली चलना इन लोगों में भय पैदा करता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ऑलरेडी मुस्तैद है, एक्टिव है, इलेक्शंस का दौर चल रहा है, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और सख्ती बरती जाए ताकि इस तरह की वारदात आगे ना हो और लोगों में डर का माहौल ना रहे। ये लग रहा है ये फायरिंग यहाँ पे हुई है, दो बंदे जख्मी हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में। फर्दर इसके जितने डिटेल्स कलेक्ट हो पा रहे हैं हम कलेक्ट कर रहे हैं, और हम इतना भी बता सकते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करके उनको जल्द से जल्द, जो जिन लोगों ने ये किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। कितने लोग इसमें सर थे? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है तीन लोगों का इंसिडेंट है, बाइक पे आके उन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट किया है। हम लोगों ने हर जगह जो भी हमारी प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ली हुई है, जगह जगह नाके लगे हुए हैं। वी आर होपफुल कि बहुत जल्दी होगी।